हाय गाइस, दिस इज दाऊद हियर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है फिर से, और ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो अभी SGBM कर रहे हैं और उनको विड्रॉ करना है SGBM से GBM तक, ताकि वो GBM से ग्रेजुएट करके सर्टिफिकेट ले सके और नेक्स्ट ईयर अपने दूसरे कोर्स में या दूसरे कॉलेज में खुद को मतलब खुद का एडमिशन करवा सके। तो आई शो यू द प्रोसेस कि आप कैसे SGBM से विड्रॉ करके GBM में कर सकते हो, और फिर GBM का सर्टिफिकेट मतलब ग्रेजुएशन आपको GBM का कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि सिर्फ विड्रॉ करने से आपका वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो सिर्फ विड्रॉ से नहीं होता है। तो आई शो यू, एंड आप ये तभी कर सकते हो जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये नहीं है। तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपको, तो आप विड्रॉ के लिए फाइल कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर तो वेट फॉर इट, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में विड्रॉ के लिए फाइल कर सकते हो। तो आई विल शो यू हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम द कोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दैट ऑफ कोर्स आपका स्टूडेंट पोर्टल है, जो विड्रॉल फॉर्म होगा वो आपके स्टूडेंट पोर्टल में होगा। तो आप अपना स्टूडेंट पोर्टल खोल कर उसमें सर्विसेज में आओगे, एंड वंस यू आर इन सर्विसेज द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्म्स फॉर स्टूडेंट इन फुल टाइम प्रोग्राम। तो आपको क्लिक करना है माई फॉर्म्स पे। जब आप माई फॉर्म्स में आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो ऑफकोर्स आपको ये सब ऑप्शन में नहीं जाना है। आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करोगे एंड यू विल गो फॉर विड्रॉल फॉर्म। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने आप फिल हो जाएंगे वहाँ पर, जस्ट बिकॉज आपने स्टूडेंट पोर्टल से ये फॉर्म को यू नो स्टार्ट किया है। तो ये जो वेबसाइट है ये आपका इन्फॉर्मेशन खुद से ओवर फिल इन कर देगा। मेक श्योर दैट आप इस पर क्लिक कर रहे हो बिकॉज आपको अपना सेकेंड सेमेस्टर कम्प्लीट करना है, एंड देन थर्ड सेमेस्टर के लिए वापस नहीं आना है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो यू आर सेइंग दैट आप सेकेंड सेमेस्टर से भी अभी विड्रॉ कर रहे हो। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर, आप अगर फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड सेमेस्टर भी रहोगे तो उसी टाइम आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ये कर रहे हो। मोस्टली द रीज़न होगा जो चेंज हो करने का वो है चेंजिंग प्रोग्राम, बट सपोज अगर आप ये करते हो ट्रांसफ़र टू अनदर इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले आपका ऑफर लेटर जो आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया है उसका ऑफर लेटर यहाँ पर अपलोड करना होगा, उसका नाम बस। बट मोस्टली लोग ये करेंगे, तो बस एक्नॉलेज करके सबमिट करना है। तो ये हुआ विड्रॉल, और ये आप सेकेंड सेमेस्टर की यू नो वन वीक या सेकेंड वीक या सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही आप ये फिल कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो मैंने स्टूडेंट एडवाइजर को जब मेल किया था अबाउट यू नो चेंजिंग द प्रोग्राम, तो उसने ये मुझे रिप्लाई किया था। सो टू चेंज फ्रॉम SGBM टू GBM वंस इन लेवल टू, जो कि आप हो, विड्रॉ माई सर्विसेज माई फॉर्म्स विड्रॉल फॉर्म, जो कि मैंने अभी आपको शो किया है। तो ये चीज़ आप सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही कर सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें सिर्फ विड्रॉ नहीं करना है, हमें एप्लीकेशन मतलब जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है GBM का वो भी चाहिए हमें, मतलब हम GBM से ग्रेजुएशन GBM से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द लेवल टू, जब आपका फाइनल टर्म हो जाएगा, जब आपके फाइनल के एग्जाम हो जाएंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे, देन यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू ग्रेजुएट दैट यू वॉन्ट टू ग्रेजुएट फ्रॉम GBM। आपको वो एप्लीकेशन एक फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म किसको सेंड करना है, टू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो अगर अपने ईमेल में आप स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डालोगे तो वहाँ पर अपने आप उनका ईमेल आ जाएगा। तो आप ये फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर, और ये फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर फिल करते रहोगे तो आपका हर एक इंफॉर्मेशन विथ योर यू नो क्रेडिट कार्ड डिजिट्स आप फिल करोगे, सेव करोगे, एंड यू विल सेंड इट टू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए $48 लगेंगे। तो $48 इस चीज़ को प्रोसेस करने लगेंगे, एंड वंस दिस इज प्रोसेस्ड आपको आपका सर्टिफिकेट, आपका अवार्ड लेटर, एंड ऑल्सो आपको एक ईमेल आएगा दैट यू नो
आपका कौन वेकेशन होने वाला है, सो अगर आप किसी रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हो तो आप बुला सकते हो, एंड यू विल यू नो फॉर द कॉन्वोकेशन आपको एक गाउन दिया जाएगा जो कि आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि मैं ये वीडियो में शो कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाए, बट टू मेक इट इजियर फॉर योर सेल्फ आप भी एक चीज़ कर सकते हो कि आप स्टूडेंट एडवाइजर से बात करो, एंड इफ यू आर अवेलेबल बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम, गो टू देम एंड यू नो आपका प्रोसेस और इजीली कर सकते हैं, वो खुद ही कर लेंगे सब कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बट सपोज इफ यू आर बिजी एंड अगर आप बहुत दूर रहते हो यू नो ब्रांडफोर्ड से या कॉलेज से वगैरह किसी भी कैंपस से, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, जस्ट उनको ईमेल करो, आपको वो प्रोसेस बताएंगे, एंड आपने तो मेरा वीडियो देख ही लिया है अब, तो यू नो द प्रोसेस हाउ टू यू नो विड्रॉ फ्रॉम दी प्रोग्राम एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप विड्रॉल जो फॉर्म है वो टर्म के स्टार्ट में मत करो, आप वो टर्म के एंड में करो ताकि आप दोनों चीज़ एक साथ ही कर पाओ, तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगा दैट आपने एक ही टाइम में विड्रॉल भी कर दिया, आपने एक ही टाइम में एप्लीकेशन टू ग्रेजुएट भी कर दिया, तो इट्स बेटर कि आप दोनों एक साथ करो इंस्टेड ऑफ यू नो विड्रॉल फॉर्म स्टार्टिंग में भरो एंड फिर एंड में एप्लीकेशन टू ग्रेजुएट, बट इट्स अप टू यू, आपका जो कन्वीनियंस आपको करना हो करो, बट मैंने शो कर दिया, तो यही था वीडियो एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो मोस्टली मैं सब कुछ बताई चुका हूँ एंड दिस वॉज द ओनली वीडियो। तो जिसको भी कन्फ्यूज़न था कि आपको विड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं या विड्रॉ करने में कुछ है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। यू जस्ट हैव टू यू नो आस्क द स्टूडेंट एडवाइज़र या कोई भी जिससे आप बात कर सकते हो, जिसको पता हो अबाउट दिस। तो मेरी वीडियोज़ आपने देख ली है एंड यू नो द प्रोसेस। तो अगर आपको विड्रॉ करना है देन यू कैन विड्रॉ इट राइट नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू, एंड एंड में आपको वो एप्लीकेशन फिल करना होगा जिससे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, एंड देन यू कैन चूज़ द न्यू प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।